भारत और जापान के रिश्ते दिन पे दिन गहरे होते जा रहे हैं। जापानी लोगों को हिंदुस्तानी लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं, हिंदुस्तानी लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। आज इस वीडियो में भारत और जापान की दोस्ती के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस दोस्ती से सबसे ज्यादा डर किसको लग रहा है, सबसे ज्यादा जलन किसको हो रही है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके देशभक्तों की टोली में जुड़ जाओ। इंडिया जापान रिलेशन। जापानी लोगों को भारतीय लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं और करंटली बहुत से जापानी लोग हिंदी भाषा सीख रहे हैं। हिंदी सीखने का जापानियों में क्रेज हर साल बढ़ता जा रहा है और जापानी लोग जब हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तब वो हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे वो अपनी जापानीज लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं। और गाइज हमको रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। वो लोग जब हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तब वह पूरी तरह हिंदी बोलते हैं, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल वो कतई नहीं करते हैं। और जापानी लोगों को आजकल हिंदी भाषा सिखाने में भी अपनी जापान कंट्री में जब वो जाते हैं तब वहां पे अपने जापानी भाइयों को वो हिंदी भाषा सिखाते हैं। आपने आजकल बहुत सी यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जहां पर जापानी लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और वहां पर जापान में क्लासेस दे रहे हैं बकायदा। जापानीज लोगों को भारत में जो ये डाइवर्सिटी है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उनको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है कि इंडिया में स्टेट बदलने पे हल्का हल्का कल्चर भी बदल जाता है। साउथ में थोड़ा अलग कल्चर रहता है, नॉर्थ में अलग रहता है, वहां पे लैंग्वेज भी थोड़ी सी बदल जाती है। ये चीज जापानीज लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि जापान में बहुत छोटी सी कंट्री है जापान। जब वहां पे कोई नॉर्थ से साउथ में जाता है या ईस्ट से वेस्ट में जाता है तो कल्चर या लैंग्वेज नहीं बदलती है, तो ये चीज इंडिया में उनको यूनिक लगती है, इसलिए उनको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। और जापानी लोगों को इंडिया के लोगों की मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप तो जानते ही हैं कि भारत में अतिथि देवो भवा यानी कि मेहमान को भगवान मानते हैं। जब भी कोई जापानीज यहाँ पे या फिर कोई भी विदेशी किसी भी तरह का बाहर से आता है तो भारतीय लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा हर विदेशी की, हर बाहर से आए हुए व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। ये चीज बहुत अच्छी है हम लोगों में और यही हम लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिलाती है बाहर की कंट्रीज में। जरा देखिए कैसे एक जापानी लड़की इस चीज के बारे में बता रही है। नंबर वन, पीपल, लोग बहुत अच्छे हैं इंडिया में। जब मैं इंडिया में रहती थी या ट्रेवल करती थी तब हमेशा कोई बहुत ही अच्छा इंसान है जो मेरी मदद करता था। इंडिया में हमेशा छोटी छोटी दिक्कतें तो होती रहती है, जैसे वहां गए लेकिन बंद था या पता नहीं ये कहाँ जाना चाहती थी लेकिन अलग जगह में पहुंची या पता नहीं कुछ भी दिक्कतें तो होती रहती थी। और उसी समय लगता है ना कि अरे इंडिया में रहना बहुत मुश्किल है, वापस जाना चाहती हूँ, ऐसे ना लगता है। और उसके बाद कहीं से अच्छा इंसान आ जाता है और मेरी मदद करती है और मैं बहुत ही कुछ हो जाती हूँ। हाँ, ये बहुत स्ट्रेंज थिंग है कि हमेशा दिक्कतें के बाद अचानक कहीं से अच्छा इंसान आ जाता है, मुझे बचाता है। चाहे मैं एक विदेशी स्ट्रेंजर हूँ और मुझे बचाने से कोई मतलब बेनिफिट नहीं हो, फिर भी लोग मुझे बचाते हैं, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब मिलने के बाद हमेशा तुरंत दोस्त बन जाते हैं ना। अब यार हम लोगों की तो आदत में ही है ना ये लोगों की हेल्प करना, हम लोग हर किसी की हेल्प ज्यादातर करते रहते हैं और बातें बनाने में और पंचायत करने में तो यार हमसे आगे तो कोई है ही नहीं। अगर कोई बंदा आपसे कुछ पूछ दे तो हम लोग पूरा पूरा उसको अच्छे से समझाते हैं, तो यार हम लोग बहुत अच्छे से लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। और जो जापानी लोगों को पसंद है वो भारतीयों का जुगाड़, हम लोग जुगाड़ करने में सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में। जो सबसे टिकाऊ जुगाड़ कोई कंट्री करती है तो वो भारतीय है। हम लोगों को ऐसे ऐसे जुगाड़ करने आते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये भी हमारे अंदर एक खूबी है। तो भैया अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिश्तों की। जापान और भारत के पॉलिटिकल रिश्ते भी बहुत ज्यादा मजबूत हैं। प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे अभी कुछ साल पहले भारत के दौरे पर भी आए थे और काफी सारी इन्वेस्टमेंट करके गए थे। शिंजो आबे को इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा भरोसा है। जापानी लोग मानते हैं कि इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है जो कि आगे चल के और भी ज्यादा अच्छा कर सकती है।
है। जापान इस वक्त फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया की इकोनॉमी में। इंडिया का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो भी जापान ही बनवा रहा है। जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर है वो जापान ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया में और भी बहुत सारी जो कंपनीज आने वाली हैं, बहुत सी जापानीज कंपनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने का मन बना चुकी हैं। तो जापान इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है और बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं वो इंडियन पे और इंडियंस लोगों पे, इंडिया के गवर्नमेंट पे भी। इस वक्त जापान और इंडिया के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस वक्त जापान और इंडिया दोनों कंट्रीज के दुश्मन सेम हैं। जापान जो है वो चाइना से बहुत सालों से चिढ़ता है और आज भी बहुत ज्यादा चिढ़ता है। वो चाइना को बिल्कुल कट्टर दुश्मन मानता है और हमारे तो चाइना से रिश्ते हैं ही नहीं अच्छे। आप तो जानते ही हैं कि आए दिन क्या हो रहा है लद्दाख में। और चाइना जो है वो अपनी लुगाई पाकिस्तान को फंडिंग भी देता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है। और पाकिस्तान इंडिया में क्या करता है हम सब जानते हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए तो यार चाइना और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मन है, और जापान के लिए जो है वो चाइना कट्टर दुश्मन है। तो दोनों का दुश्मन सेम है। तो इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है जो मैं आपको बताता हूँ। जापान के जो अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं उन्होंने भारत की जो आर्मी है यानी कि इंडियन आर्मी की ताकत को पहचान लिया है। जिस हिसाब से इंडियन आर्मी ने अभी करेंटली चाइना को पटक पटक के धूल चटा दी, वो इस चीज को समझ गए हैं कि इंडिया की आर्मी बहुत ज्यादा मजबूत है। और इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उन्होंने साफ कह दिया है, उन्होंने अमेरिका और जापान के बारे में यह बोला है कि अमेरिका और जापान दोनों को भारत के साथ मिलकर चाइना को पटक देना चाहिए, चाइना को सबक सिखाना चाहिए। तो इस वक्त मुझे लगता है कि अगर लड़ाई हुई इंडिया और चाइना की तो जापान और अमेरिका दोनों मिलकर कूदेंगे और सपोर्ट करेंगे इंडिया का। और पाकिस्तान यार वो बवासीर है जो यार इंडिया और जापान की दोस्ती में भी ये देख रहा है कि अगर लोन लिया जाए तो यार इंटरेस्ट कहां पर कम पड़ेगा। सऊदी से हमने लोन लिया तो वहां पे यार इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है, जापान से कितना पड़ेगा। तो वो इस दोस्ती में भी यार ये देख रहे हैं कि अगर हमने कर्जा लिया तो हम कैसे चुकाएंगे, उसमें इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। आप देखिए जरा, आपको बड़ी हंसी आने वाली है जो मैं क्लिप चलाने वाला हूं, उस क्लिप को देखिए। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को यार याद से दबा के शेयर कर देना और लाइक करना। अभी इंडिया ने एक उन्होंने डील किया है जापान के साथ, मोदी साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया है उसे, अब उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन, और 2 घंटों में वो वहां पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे उनकी 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो गुजरात का कैपिटल है, जी कैपिटल है वही से, उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है 0.1% पे, 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया और 5 सालों में जापान ही बना के उनको देगा। और हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपैक के तहत ये कर्जे आ रहे हैं वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं, उसका लंदन जो उनका रेट है ना, लेबर उनका रेट है, वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे हैं, मेरे एक सोर्स जरा ने बताया। सो आपका 7-8% जाके बनता है। अब जरा आप तसव्वुर करें कि 60-70 बिलियन डॉलर का जो आप लोन ले रहे हैं इस पे 7-8% आपका रिटर्न है, लाहौर में जो हमने लिया है ये। और अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, मेरा खुद का जो क्लॉथिंग ब्रांड है विश फैशन, उसमें आप रीसेलर बन सकते हो। तो रीसेलर बन के आप 10-15 हजार इजिली कमा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पे हाई ड्रॉप कर देना तो मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट में जोड़ दूंगा। तो यार याद से कर देना। बाकी अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके यार अपनी राय जरूर दो।